मैं तुम्हें एक सच्चा इंसान समझकर तुम्हें पसंद करने लगी थी। दुनिया गम मोहब्बत के गम को खा जाता है। पहले भी तुम सब कुछ छोड़कर उसके पास गई और उसने तुम्हें ही छोड़ दिया। तुम एक घटिया इंसान हो जो दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाकर अपना मकसद पूरा करता है। राहे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। I'm sorry, बा। सॉरी कोई रिवाइंड का बटन नहीं है जिसे दबाया और सब किया कराया मिट जाए और फिर सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाए। जेब में रखो अपना सॉरी। I know, आप सही कह रही हैं। सही तो मैं काफी टाइम से कह रही थी मगर तुम्हें समझने में देर हो गई। वक्त मैं सुबह से ये सुन रहा हूँ कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी की। तमाशा बना हुआ है सुबह से। मुझे एहसास है कि मैंने क्या किया। सबको ये नजर तो आता है कि मेरी वजह से क्या हुआ, लेकिन किसी को यह नजर नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ। और मैं किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि कोई मेरे साथ हमदर्दी करे, लेकिन मुझे तुम्हारी दुख भरी दास्तां सुनने का कोई शौक नहीं है। जो कहना जल्दी कहो। शर्मिंदा हूं मैं आपसे, मुजरिम हूं आपका। आप शायद ठीक कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो किसी और तरीके से हो सकता था, लेकिन मैंने बहुत गलत तरीके से किया ये सब। आप ये भी सही कहती हैं कि मेरा किया किराया मिट नहीं सकता, लेकिन इसकी सजा आपको क्यों मिले? इसलिए आप किसी के दबाव में आके शादी के लिए हाँ मत कहिएगा। मैं जानता हूँ आप ये शादी नहीं करना चाहती हैं। शादी तो मैं पहले भी नहीं करना चाहती थी तुमसे, तब भी हाँ की थी। अब भी शादी नहीं करना चाहती तुमसे और अब भी हाँ की है। क्या करूँ, बचपन से ऐसी पली बड़ी हूँ। माँ बाप, रिश्ते, नाते, इन सब की वैल्यू इतनी कूट कूट कर भरी गई है कि अब कोई भी आके ब्लैकमेल करे और मैं मान जाती हूँ। तो आपको जरूरत नहीं है ब्लैकमेल होने की। कोशिश की थी मैंने ब्लैकमेल ना होने की, घर से भी भागी थी, मगर वो तुमसे भी बड़ा कमी। लैंग्वेज प्लीज। इसीलिए आधे अल्फाज में रोक लिया मैंने, मगर तुम फिक्र नहीं करो, दिल में भर भर के गालियां दे रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं गालियां सुनने नहीं आया हूँ। तो तुम्हें छत पर आने की दावत किसने दी? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी फैमिली को जितना नुकसान पहुंच सकता था पहुंच चुका है, अब मैं मजीद इस्तेमाल नहीं होंगी। अगर मेरे सूली चढ़ने पर मेरे घर वालों को खुशी मिलती है तो मैं वो भी कर लूंगी, और वैसे भी मुझे जिंदा रहने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और इसके जिम्मेदार भी तुम होगे। इसे तुम्हें जो करना है तुम खुद करो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और आइंदा के बाद मुझसे कोई बात मत करना। आई समझ? कराची में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। ऐसे कुछ करो ना, हम लोग परसों जा रहे हैं। पता नहीं अम्मा अब्बा को क्या हो गया, मैं शादी छोड़कर आ गया हूँ, नाराज हूँ, तो मना ही नहीं रहा मुझे। करने करो, कुछ ना कुछ तो हल निकालते हैं इस बात। अच्छा तो तुम मेरा फोन काट रही हो? बक तुम यहाँ? जी हाँ, मैं यहीं इसी शहर में रहती हूँ, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं वो ज्यादा बकरी बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता भी है कि मेरे साथ क्या से क्या हुआ है? पता है मुझे, लेकिन मेरी बात भी तो समझो ना तुम। जानती हो मतलब तुम घर में किसी और से भी कांटेक्ट में हो? हाँ, नहीं वो मेरा मतलब है, डोंट बिलीव दिस, मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। मेरी जिंदगी का इतना मुश्किल दौर चल रहा है और तुम जानबूझकर मुझसे छुपती कर रही हो, मगर हाँ ऐसे से मिलने के तरीके हैं। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, एक दो काम है मुझे ना, तो हम बाद में फोन पे बात करते हैं। नहीं मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। हाँ सही है, ओके। वक्त मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, प्लीज समझाओ, वैसे भी मुझे घर जाने की जल्दी नहीं है। कहीं बैठ कर बात कर ले, मेरी गाड़ी वहां खड़ी है।
मेरी बात समझने की कोशिश करो। अम्मी ने मना किया था किसी से भी बात करने की। अम्मी ने तो मैं सबसे बात करने से मना किया था। अगर तुम तो मेरे से बात कर रही हो और जाहिर सी बात है, क्यों नहीं करोगी? वहां मतलब तो जुड़ा है तुम्हारा। ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए मैं बीनेस से बात कर रही थी। बस बस रहने दो। तुमने सुना बीनेस से बात कर रही हो ना, उसमें तो मुझसे भी कर सकती थी, मगर ऑब्वियसली मैं ऐसे उनकी बहन जो नहीं हूँ। अच्छा चलो जाने दो। गुड न्यूज ये है कि समरीन जा चुकी और मीराब और तुम्हारे बीच में अब कोई रुकावट नहीं। अब क्या प्रॉब्लम है? मैं उसके दिल में कभी थी नहीं और अब वो मेरे दिल से उतर चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि समरीन ने मीराब को छोड़ने से पहले मेरी नजरों में इतना नीचे गिरा दिया है कि मेरा दिल ही नहीं करता है कि मैं उसको हाथ देकर अपने बराबर लाऊं। अच्छा तुम लोग एक दूसरे को दो तीन दिन दो, आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम नहीं समझोगे, अभी मेरे और उसके दरमियान जो दरार आ गई है ना, वो अब कभी नहीं जाएगी। मैम योर कॉफी। योर कॉफी मैम। Anything else would you like to order, ma'am? No, thank you. क्या हुआ बाप? कुछ नहीं, चलो यहाँ से। क्या मतलब क्या हुआ? इतनी नफरत करती हूँ मुझसे। तुम मुझसे बात मत करना। चलो साइमा। ऐसा क्या हो गया था वहां? कौन था वो? पर तुम प्लीज आहिस्ता गाड़ी चला सकते? मुझे ना जिंदा रहने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। और कौन नजर आ गया था जिसकी वजह से मरने की इतनी जल्दी हो गई है तुम्हें? हुनैन। कौन हुनैन? ये वो है? ये वही है जिसके लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था और उसने मेरे साथ टाइम पास किया। नफरत है मुझे उससे और उससे ज्यादा खुद से कि मैंने ऐसे इंसान से मोहब्बत की थी। पैसों के पीछे तो मेरी बोटियां काट के भी बेच देता वो। ये सब एक जैसे होते हैं साइमा, दिखने में अलग मगर फिक्र दे मतलब ही। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। तुमने तो कहा था कि वो किसी बहुत अमीर लड़की से शादी कर रहा है इसलिए तुझे छोड़ा, तो फिर एक मामूली से कैफे में वेटर क्यों लगा हुआ था? क्या हुआ? तुम सही कह रही हो, उसने मुझे किसी पैसे वाली लड़की के लिए छोड़ा था मगर फिर वो इतने छोटे से कैफे में वेटर क्यों बना हुआ है? हर दफा दूर कर तुझे क्या? देख अम्मी बार बार कॉल करें, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दे। बा, हम हुनैन के मौसी मुस्तकबिल पे बाद में रोशनी डाल। देख अम्मी कॉल कर रही है, प्लीज मुझे घर छोड़ दे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो यहाँ आने की? मैं? चली जाओ यहाँ से। तुमने कुछ छोड़ा भी है हमारे लिए? सब कुछ बर्बाद करके रख दिया हमारा। मैंने? हाँ हाँ तुमने। मैं कहती हूँ चली जाओ, नजर से दूर हो जाओ मेरी। पप्पा आप अंदर जाएं, मैं बात करता हूँ। प्लीज।
तुम्हारी पप्पो वो ये क्यों कह रही थी कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है? कहीं बैठकर बात करें अगर तुम्हें गवारा हो तो। बैठकर क्यों? ये कुछ दिन मेरी जिंदगी के बहुत लंबे साल थे, टाइम लगेगा सुनाने में अगर तुम सुनना चाहो तो। तुम्हें ये तो नजर आ रहा था कि वहां मैं बैठा निकाह कर रहा था, मगर तुमने इतना भी नहीं सोचा कि जो शख्स तुमसे इतनी मोहब्बत करता था वो एक पल में इतना क्यों बदल गया? तुम्हें निकाह करते हुए देखकर भी कुछ बचा था सोचने लायक? तुम हमेशा मुझसे कहती थी ना कि मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर क्यों नहीं भेजता। जब भी तुम्हारा कोई रिश्ता आता तो बहाना बनाकर तुम्हें लड़का भगाने का कह देता था, इस उम्मीद से कि शायद शायद कोई रास्ता निकल आए, शायद कोई नौकरी लग जाए। शर्म आती थी मुझे तुमसे इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर और उन्हीं को बेचकर अपने घर की जरूरियात पूरी करने में। क्या कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए, और मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। निकाह जो कर रहे थे तुम, कुछ और कैसे करते तुम मेरे लिए? वक्त वक्त जब इंसान गरीब होता है ना तो मुसीबत उसके घर वो मेहमान बनकर आती है जो खुद तो नहीं जाती, मगर उस गरीब इंसान को उस घर से जरूर निकालते। तुम ये तो जानती थी कि जिस घर में हम रहते हैं वो अब्बा को फैक्ट्री से मिला, पर तुम ये नहीं जानती कि अब्बा को कुछ अर्सा पहले ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। क्या? हाँ, और जब फैक्ट्री के ओनर शमशीर साहब को ये बात पता चली तो बरसों से उनके अकाउंट संभालने वाले अब्बा उनको बोझ लगने लगे। चंद हजार देखकर अब्बा को घर भेज दिया और कुछ ही दिनों बाद घर खाली करने का नोटिस आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन शमशीर साहब खुद घर आ गए और आकर अब्बा से कहा कि अगर मैं उनकी गूंगी बहरी बेटी से शादी करूंगा तो अब्बा का इलाज भी करवाएंगे, हमें उस घर में भी रहने देंगे और मुझे अपनी फैक्ट्री में एक अच्छी पोजिशन भी दे देंगे। मुझे फैसले के लिए दिन नहीं चंद घंटे दिए गए। तुम मुझे बता सकते थे हुनैन। क्या बताता वक्त? ये कि अब्बा का इलाज करवाने पैसे दे दो, या फिर ये कि हमारे पास है ना वो घर नहीं अपने घर में जगह दे दो, या कोई नौकरी दिलवा दो। कब तक इंतजार करती, कितने रिश्ते ठुकराती तुम, और किस मुंह से आता मैं तुम्हारा रिश्ता मांगने तुम्हारे घर वालों से? तुमने मुझे मेराब से मिलवाया था ना तो मुझे ये तसल्ली हो गई थी कि मेरी भक्ति उस इंसान से शादी हो रही जो उसके काबिल है। तुमसे इतनी मोहब्बत करता था कि तुम्हें अपने साथ बर्बाद होता देखने के बजाय तुम्हें किसी और के साथ खुश देखना चाहता था। बताया था मैंने मेरा आपको, मेरा भी सब जानता था। हाँ, बताया था मैंने मेरा आपको, और मैंने उसे मना किया था कि वो तुम्हें मेरे पास लेकर ना आए, मगर वो तो ले आया। उसके बाद जिस मकसद के लिए मैंने खुद को मारकर तुम्हें मेराब को सौंपा था वो तुम्हें ना बताकर उसने तो बर्बाद कर दिया। तो भाई और शमशीर साहब अपनी बेटी को लेकर चले गए, अम्मा के जो थोड़े बहुत जेवरात थे वो भी बिक गए, मगर क्या फायदा? ये मामूली सी नौकरी से क्या होगा? अब्बा की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है, हमें घर से निकाला जा रहा है। तारो तुम्हें बा पानी बचेंगे, पानी बचेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर वेरी ओन दानिश तैमूर। वॉच माय न्यू सीरियल इश्क है ओनली ऑन ARY डिजिटल एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल आल्सो। थैंक यू।